आगे दिल्ली के सराय काले खां में हुए उपद्रव को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान सामने आया है। वीडियो जारी कर कपिल मिश्रा ने कहा है कि आतंक फैलाने की कोशिश ना की जाए, ये ठीक बात नहीं है। कपिल मिश्रा ने कहा कि सराय काले खां इलाके में लोगों के घर में घुसकर मारने की कोशिश, आतंक फैलाने की कोशिश की गई है, यह अस्वीकार्य है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में कोई भी गलतफहमी ना पाले कि आतंक फैला सकते हैं, दहशत फैला सकते हैं, ऐसी गलतफहमी पालना ठीक नहीं है। शांति बनाकर रखें, यही सभी के लिए ठीक है। दिल्ली के सराय काले खां में जो हुआ है, लोगों के घरों में घुसकर मारने की कोशिश, आतंक फैलाने की कोशिश, ये अस्वीकार्य है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली में कोई भी ये गलतफहमी ना पाले कि आतंक फैला सकते हैं, दहशत फैला सकते हैं, ऐसी गलतफहमी पालना ठीक नहीं है। शांति बनाकर रखें, यही सभी के लिए उचित है। मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली में कोई भी ये गलतफहमी ना पाले कि आतंक फैला सकते हैं, दहशत फैला सकते हैं, ऐसी गलतफहमी पालना ठीक नहीं है। शांति बनाकर रखें। वहीं मयूर विहार इलाके में एक दोस्त ने दोस्त की पत्थर मारकर हत्या कर दी। बता दें, मयूर विहार थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी दौरान त्रिलोकपुरी में एक युवक दिखाई दिया जिसके कपड़े खून से सने थे। पुलिस ने युवक को रोका और कपड़ों पर लगे खून के बारे में पूछा तो युवक ने बताया कि उसने अपने दोस्त भरत की पत्थर से वार कर हत्या कर दी है और वो थाने जा रहा था, तो पुलिस ने युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ कर मौके से भरत के शव को भी बरामद किया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मृतक भरत उसके साथ पिछले काफ़ी समय से अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, जिसके चलते उसने भरत की हत्या कर दी। इसके साथ ही दोनों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर भी विवाद था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। लड़का ने मारा है, वो लड़का खुद बुला के लेके गया घर से, और मयूर विहार से सुबह हमको पता चल रहा है, थाने से पुलिस आई है मेरे घर पे, कह रहा उसका मर्डर हो गया, लाल बहादुर में बॉडी आ गई थी। मैं जब यहाँ देखने आया, स्नैक करके गया हूँ। 4 बजे गए थे शाम के टाइम, तैयारी वगैरह की, सगाई में जाना था उन्हें, तो जब से फिर पता नहीं चला, फिर सुबह पता चला है जी। घर पर जब 3-4 पुलिस वाले आए, तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया कल्याणपुरी था, वहाँ पे त्रिलोकपुरी थाने से बोल देते हैं। फिर हमने गए तो वहाँ पे कुछ ईंट वीट रखी हुई थी, खून वून पड़ा हुआ था, वहाँ पे बाकी कुछ नहीं था, फ़ोन भी फेंक दिया गया जिनने मारा था, फ़ोन पर्स बस पुलिस के पास थी, पर्स पैसे ले रखे थे भारत से उनने 1-1.5 साल पहले 3-4 लाख रुपए, उसमें से कुछ ही पैसे लुटाए, उसके बाद इनकी अनबन हो गई होगी। एक बार फ़ोन भी चोरी कर लिया था 1 साल पहले 35,000 रुपये का उसका, और रात में लेके चले गया, पी खाई और ईंट मार दी। जो भरत है उसकी हत्या कर दी, तो हत्या के बाद ये खुद ही थाने की तरफ आ रहा था, और वहाँ जो हमारी ERV गाड़ी है, ERV गाड़ी ने जब उसकी बॉडी पे ब्लड स्टेन्स देखे तो उसको रोक के क्वेश्चन किया, तब उसने इस क्राइम के बारे में बता दिया कि उसने अपने एक दोस्त की हत्या की है। पूछताछ करने पर पता चला है कि ये दोनों दोस्त थे, जानने वाले थे, इनकी फेसबुक के थ्रू दोस्ती हुई थी और पिछले तकरीबन 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। और इसमें यहाँ पर जो इमीडिएट कॉज ऑफ, जो इमीडिएट प्रोवोकेशन का जो रीज़न रहा है, वो डिमांड ऑफ सेक्सुअल फेवर्स रहा है। बाकी इसके अलावा ये भी था कि इसमें जो एक्यूज़ है, इसको कुछ पैसे भी देने थे, जो डिसीज्ड है, किसी का मोबाइल इसने बिकवाया था, तो उसमें ये कह रहे थे कि इसको कुछ पैसे भी वो डिमांड करता था, जो डिसीज्ड है इससे पैसा डिमांड करता था। बट अभी हमारी जो शुरुआती पूछताछ है उसमें इमीडिएट जो कॉज ऑफ प्रोवोकेशन है वो डिमांड ऑफ सेक्शन 3 वर्स। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी के महिंद्रा पार्क थाना इलाके में बिना परमिशन के MCD के JEE को एक मकान का डेमोलेशन करना भारी पड़ गया। वहीं स्थानीय जनता ने JEE और MCD के कर्मचारियों को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस काफी जद्दोजहद के बाद MCD के JEE और मकान मालिक को थाने ले गई, जहां पुलिस ने पूरा मामला जानने के लिए दोनों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। वहीं मकान मालिक ने JEE पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी सरकारी दस्तावेज और बिना परमिशन के JEE ने मकान का डेमोलेशन करना शुरू कर दिया।
जब उनसे ऑर्डर की कॉपी मांगी तो एमसीडी के अधिकारियों ने परमिशन दिखाने से मना कर दिया। इस बात से नाराज स्थानीय लोगों ने एमसीडी के कर्मचारियों और जेई को बंधक बना लिया। इस मामले को लेकर एमसीडी के जेई ने बताया कि वो एक इलीगल मकान में चल रहे कंस्ट्रक्शन का डिमोलेशन करने आए थे। सर, ये हमारा मकान बन रहा है जबकि सबके आपने देख रहे हैं यहाँ पे तीन तीन मंजिल बने हैं, मेरा दूसरा लेंटर था खाली। ये आए कि हम उससे एमसीडी से जाइए और हम मकान तोड़ेंगे, हमें धक्का वक्का दे के पुलिस इनके साथ में थी, इन्होंने लेंटर तोड़ दिया हमारा। हमने इनसे पूछा कोई आपके पास लेटर वेटर कुछ है, इनके पास ना तो कोई लेटर है ना इन्होंने कोई हमें नोटिस दिया इससे पहले, और इन्होंने इलीगल तरीके से हमारा मकान तोड़ दिया। उसके बाद हमने 100 नंबर की कंप्लेंट करी, अरे पकड़िए इसको, उसके बाद हमने 100 नंबर की कंप्लेंट की तो इन्होंने क्या बोलते हैं सारा सामान नीचे तोड़वा लिया, अरे भागने लग गए। करें तो इलीगल तरीके से तोड़ के धमका के पैसे लेने का इनका प्लान है, और जब हमने लीगल तरीके से पूछा, कानून आपका तोड़ने का हक है, कागज दिखाइए, लेटर दिखाइए, परमिशन दिखाइए, तो इनके पास कुछ नहीं है। अब ये गोलमोल बातें कर रहे हैं और थाने ले जाके बात करने की बात कर रहे हैं, तो जो पुलिस ये लेके आए थे उन्हीं पुलिस के थ्रू आज इनको लेके जा रहे हैं जेई साहब को। तो आगे का आप ये कोशिश करना, सभी ये देखना वीडियो, और जाप के जहां जहां पे टूट रहे ऐसे करप्ट जेई को पकड़ना, पुलिस में देना। वहीं दिल्ली में आज टैक्सी चालकों की तरफ से हड़ताल की गई। बताते चलें कि सरकार की तरफ से अप्रैल में टैक्स बढ़ाए जाने के कारण टैक्सी चालक नाराज हैं और इसके चलते आज हड़ताल कर रहे हैं। टैक्सी चालकों का कहना है कि जब हम दिल्ली से यूपी या हरियाणा जाते थे तो एक बार टोल कटवा कर जाया करते थे, उसके अगले दिन वापस टोल कटवाया करते थे, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि अब सालाना 25,000 रुपये जमा करवाने होंगे और हम एक बार में ही इतने पैसे जमा नहीं कर सकते हैं। वहीं कोरोना महामारी के चलते हमारा काम चौपट हो गया है और अगर सरकार ऐसा कानून लाएगी तो हम टैक्सी गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। एक तो टैक्सेस, एक अन्य जो बिगर किसी बात के जो टैक्सेस हमारे साथ जोड़े जा रहे हैं, ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं, वो चीज़ है। और हमारा एक रेट है जो स्टेबल नहीं किया जा रहा है, 6.5 रुपये किलोमीटर में कंपनी कहती है कि एसी में गाड़ी चलाइए, गाड़ी विद एसी, विदाउट एसी गाड़ी का 3.5 रुपये खर्चा था, विद एसी में 5 रुपये किलोमीटर का खर्चा था, 6.5 रुपये किलोमीटर के अंदर वो 25% हमसे कमीशन मांग रहा है। तो हम फ्री में गाड़ी चलाने से अच्छा तो गाड़ी में आग लगा दें तो ज़्यादा बढ़िया है, या घर में खड़ी कर दें। अब ये तो है नहीं है कि हम फ्री में गाड़ी चलाने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे को सैलरी तक नहीं है कि ड्राइवर की सैलरी अगर देखा जाए तो 16,000 रुपये की करीब सैलरी होती है, तो ड्राइवर की सैलरी तक के बराबर भी नहीं आदमी कमा पा रहा, तो स्पेंड नहीं करेगा तो बच्चों के लिए क्या खिलाएगा। वहीं दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में 18 और 19 मार्च की रात को शराब पीकर घूम रहे तीन दोस्तों ने एक 25 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप किया। बताते चले कि आरोपियों का पीड़िता के भाई के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद पीड़िता झगड़ा खत्म कराने और अपने भाई को बचाने के लिए गई थी, तो वहीं आरोपियों ने पीड़िता के साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी और बदसलूकी करते हुए आरोपियों ने पीड़िता को जबरन अपनी गाड़ी में डाला और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस वारदात की जानकारी देते हुए DCP अतुल कुमार ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के चलते पुलिस ने एक टीम का गठन किया और घटनास्थल पर लगे सभी CCTV फुटेज खंगाले, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ करनी शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूछताछ करते हुए मामले में आगे की जाँच कर रही है। वहीं साउथ दिल्ली के CR पार्क थाने की पुलिस ने व्यक्ति से लूटपाट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल, एक मोबाइल समेत सोने की चेन भी बरामद की है। वहीं गिरफ्तार आरोपी की पहचान आकाश सोनी के रूप में की गई है। साउथ दिल्ली के DCP अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि CR पार्क थाने में PCR कॉल के माध्यम से लूट की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP मनु हिमांशु ने CR पार्क थाने के SHO वेद प्रकाश के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसके बाद टीम को आरोपी के बारे में एक गुप्त सूचना मिली और टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी मुस्ताक उर्फ बंटी का भी खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं साउथ दिल्ली के संगम विहार थाने की एंटी स्नैचिंग टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का खुलासा किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनीष और विक्की के रूप में की गई है। साउथ दिल्ली के DCP अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि दरअसल एक शिकायतकर्ता ने लूट के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी और बताया था कि दो व्यक्ति बाइक पर आए और उस पर हमला कर
3500 रुपये नकदी, मोबाइल फोन और एक बैग लूटकर भाग गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए SHO विजय कुमार ने टीम का गठन किया और टीम ने शुरुआती जांच करते हुए इलाके के CCTV फुटेज कैमरे की जांच की और कई सुराग जुटाए। साथ ही टीम ने CCTV फुटेज की जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान की, जिसके बाद आरोपियों के घर पर छापा मारकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो फिलहाल दिल्ली स्पेशल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।